भाई जितना ही सामान है उतना भीड़ बढ़ते जा रहा है। क्या पे तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। वेलकम टू बैक अंदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। तो फिर से आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं गांधी मैदान। जैसे कि मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों को दिखाया थे कि गांधी मैदान में कुछ बना है, और आप लोगों को पता था कि यहाँ पे आने वाले हैं राजन जी महाराज, और आ भी चुके हैं। और मैं दो दिन लेट हूँ और बोले थे आने के लिए, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया। तो आज आया हूँ और चलिए उनका भजन और कीर्तन दिखाते हैं। चलिए देख सकते हैं गेट का नज़ारा किस तरह, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ। चलिए अंदर देखते हैं और अंदर का नज़ारा कुछ दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितना है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इधर जो है महिलाएं हैं और इधर है पुरुष है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो गाइस अभी शाम का 5:30 हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। अभी पूरा रात भी नहीं हुआ और ये 9 बजे रात तक या 8 बजे रात तक चलेगा। गाइस जो थर्माकोल था दिखाया थे हम कल पिछले वीडियो में, थर्माकोल बिछाया गया बैठने के लिए कुछ इस तरह। और देखिए यहाँ पे भक्तों का कितना ज्यादा भीड़ है और महिलाओं में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे भीड़। भीड़ की बात करें तो भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक यहाँ तक महिलाएं थी, अब देखिए वहाँ तक मतलब पीछे तक ही बढ़ गई हैं लोग। और अभी भी महिलाएं और पुरुष आ रहे हैं। जैसे भी पुरुष की जनसंख्या बहुत कम है लेकिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे गर्मी का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लगा है ना कूलर, इतना बड़ा बड़ा कूलर लगा हुआ है। और यहाँ पे 1-2-3 नहीं, कम से कम 20 कूलर से कम नहीं है, ठीक है। और ये तो गर्मी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे आए तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। गाइस हम लोग यहाँ पे आए लोग कीर्तन देखे और देखते हैं लोग कब तक यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद निकलते हैं। जैसे अनुमति प्राप्त हुई यहाँ लक्ष्मण जी नगर में जनकपुर के नगर में जैसे सूचना मिली मिथिला वासियों को कि रघुनाथ जी दोनों भैया मिथिला में नगर भ्रमण करने निकले हैं, अरे लोग पगलाई के भाग गए हो बाहरी। अंदर कुछ इस तरह नजारा था और बाहर भी देख सकते हैं यहाँ पे दुकान लगा हुआ है पूरा, और कुछ सामान का भी है यहाँ पे अगल बगल देख सकते हैं पूरा दुकान लगा हुआ है। आप कुछ ट्री कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, किसी को इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो यहाँ दवा हुआ के लिए कैंप लगा गया। और ये देख सकते हैं फ्री है पूरा।
यहाँ चप्पल रखने का भी सुविधा है। देखिए यहाँ पे सारा चप्पल रखा जाता है, स्टिकर लगा लगा। और आपको एक जैसा कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो दो टिकट मिलता है, वैसे ही यहाँ भी दो टिकट मिला है, एक चप्पल। गाइस जितना ही सामान है उतना भीड़ बढ़ते जा रहा है, देख सकते हैं भीड़ कम जा रहा है। प्रभु गुरुदेव से आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी जाने साथ बाप ने पुष्प दल लेने के लिए गए। दल समझ रहे हैं, दल दल मैंने तुलसी दल, तुलसी पत्ता नहीं बोलते, दल बोलते तुलसी दल। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और अभी भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है, अभी भी लोग आ रहे हैं। लोग हो चुका है एनर्जी डाउन और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक मस्त सा शॉप है जहाँ पे जूस बनाया जाता है, वहाँ पे आया हूँ और यहाँ का जूस काफ़ी मशहूर है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे बनाना शेक बनता है, जूस बनवाते हैं। तो यहाँ पे तीन चार स्टाफ हैं, लोग जूस बनाइएगा थोड़ा, देखिए जूस बनाने वाले हैं। और जो काफ़ी जो इनका स्टाइल है ना काफ़ी ख़तरनाक है, दोनों बनाना सीख। देखिए दोनों फ्लेवर सेम है, बस सब ये कि वो छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, तो ये कुछ खास नहीं है, बस 20 का वो है और 40 का है, तो इसका कुछ फ्लेवर सेम है और उसका भी फ्लेवर सेम है, बस छोटा गिलास और बड़ा गिलास का होता है, बाकी सेम है। यहाँ का क्या क्या इसका जूस बनता है बता सकते हैं? मौसमी बनता है, अनार बनता है, मौसमी अनार, गाजर, चुकंदर, मतलब यहाँ पे बहुत सारा फ्लेवर बनता है आपको बनाना से, मतलब सुन देख सकते हैं यहाँ पे इनका दुकान है, कोकोनट का भी यहाँ पे जूस बनता है और कुछ इस तरह का है। ठीक है, महादेवा में है ना, भीड़ अट ही नहीं रहा है, मैं कब से रुका हूँ कि थोड़ा सा इनसे बात किया जाए, लेकिन भीड़ इतना है कि पूछिए मत। चलिए आई होप कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो मिलता है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर है ना।